दोस्तों आज मेरे पास एक सुपर डुपर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आ गया है। ये है इंस्टा 360 X2 जो था, जो दो साल पहले आया था, दो ढाई साल पहले, उसका एक सक्सेसर है। और मैं वियतनाम गया था दनांग, एंड उधर हमने बहुत सारे शूट किए इसके साथ। आई एम टेलिंग यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट 360 डिग्री कैमरा। लेकिन सिर्फ 360 डिग्री कैमरा नहीं, ये एक एक्शन कैम भी है और बहुत सारे नए फीचर्स के साथ आया हुआ है। कुछ इंटरेस्टिंग आउटडोर शॉट्स, वीडियोस, टाइम लैप्सेस, 8K वीडियोस, सब कुछ दिखाने वाला हूं। लेकिन उसके पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। लेट्स ओपन दिस बॉक्स एंड सी व्हाट इज इनसाइड। वैसे इंस्टा 360 X3 के साथ बहुत सारे एक्सेसरीज भी आए हुए हैं, वो भी मैं दिखाने वाला हूं, बट लेट्स ओपन दिस फर्स्ट। Wow, look at this. The camera itself, इस टाइम इसका जो डिस्प्ले है ना वो बड़ा हो गया है, अगर X2 के कंपैरिजन में। दोनों के मैं कंपैरिजन करके भी आपको बताऊंगा, बट और क्या है बॉक्स के अंदर, लेट्स सी। और भी कुछ है। Alright, stickers है, ये cleaning cloth है, documentation है, और ज्यादा documentation है। Then you have a pouch. Pouch भी है इसके लिए, nice. जी हाँ, and okay, USB type A to type C charging cable आती है। What else is there? नहीं, और तो कुछ नहीं है दोस्तों। Okay, let's keep this aside. इसके पास देखते हैं, चार फिजिकल बटन्स हैं, आगे की तरफ दो हैं एंड साइड में दो हैं। वैसे ज्यादा करके टच इंटरफेस होने की वजह से आप बटन ज्यादा नहीं इस्तेमाल करोगे, टच इंटरफेस से ही जो भी करना है आप करोगे। नीचे की तरफ आपको सेल्फी स्टिक माउंट या फिर ट्राइपॉड माउंट करना है, उसके लिए थ्रेड्स हैं। एंड देन ऑन द साइड यू हैव दिस बैटरी। वैसे बैटरी जो है दोस्तों 1800 mAh की बैटरी है, एंड ऑन अ सिंगल चार्ज 100% चार्ज होगी तो एक घंटे तक आप आराम से फुटेज ले पाओगे। वैसे दोस्तों ये जो डिस्प्ले है, दिस इज 2.29 inch डिस्प्ले, एंड प्रोटेक्शन के लिए टेम्पर्ड ग्लास का सपोर्ट है। सो अगर गिर भी गया तो भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसे चार्जिंग के लिए दोस्तों बैटरी के ऊपर ही आता है, जस्ट रिमूव दिस एंड आप इधर से चार्ज कर पाओगे। और तो कुछ नहीं, एंड यस, हाँ, माइक्रोफोन्स हैं, यू आल्सो हैव माइक्रोफोन्स ऑन बोथ द साइड्स। वैसे ये जो यूएसबी टाइप सी है, उधर से आप चार्ज तो कर पाओगे, बट अगर आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन वगैरह लगाना है फिर भी आप यूएसबी टाइप सी का इस्तेमाल कर पाओगे, सो इट इज ड्यूअल यूज। वैसे इसका जो माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है वो बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर ही है। वैसे अनबॉक्सिंग कर दिया दोस्तों, लेकिन अब ये बाहर आ गया है, अब वक्त होता है बाहर जाने का। लेकिन उसके पहले जो एक्सेसरीज है उनके पास भी क्विकली देख लेते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज। राइट, लेट्स ओपन दिस। ये बेसिकली लेंस कैप है, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा है, जो लेंस होती है वो बाहर प्रोट्रूडिंग होती है, तो आप ऐसे नहीं रख सकते हो, अदरवाइज इधर स्क्रैचेस आ जाएंगे। सो ऑलवेज यूज दिस लेंस कैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यू हैव बैटरी, इसकी जो बैटरी है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यस, बुलेट टाइम बंडल। ये बेसिकली एक सेल्फी स्टिक है तो है ही, बट और भी बहुत सारी चीज करती है। इसमें एक फीचर है मी मोड, जिसमें इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एंड देन यू ऑल्सो हैव ट्राइपॉड स्टैंड, ये एक्सटेंड भी होता है क्वाइट लॉन्ग, तो आपको टाइम लैप्स वगैरह निकालना है तो आप जस्ट माउंट द कैमरा एंड यू आर डन। और जैसे X2 के वीडियो में मैंने बताया हुआ था दोस्तों, ये स्टिक दिखती नहीं है, इवन दो यू आर होल्डिंग इट लाइक दिस, कैमरा जो है निकाल देती, इरेज कर देती है उसे। और हाँ, फाइनली कैरी केस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, सही में अच्छी है, लेकिन इट्स अ वेरी नाइस केस, वेरी गुड क्वालिटी केस एंड स्पेसिफिकली मेड फॉर इंस्टा 360। दोस्तों अगर इंस्टा 360 X3 के वीडियो शूटिंग कैपेबिलिटीज के बारे में बात करूं तो X2 और X3 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम 5.7K एट 30 FPS आप शूट कर पाओगे, एंड ऑब्वियसली इन 360 मोड शूट करोगे आप, सो दैट इज दैट। X3 में आपको 8K टाइम लैप्स मिलता है, और उसका रीजन ये है कि अब बड़ा सेंसर साइज आ गया है, 1/2 inch का सेंसर साइज आ गया है X3 में। और हाँ, इस सेंसर की वजह से दोस्तों वीडियो क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है, आप देख ही रहे हो फुटेज में। X2 के कंपैरिजन में X3 has really become good in terms of video quality। और ये जो है दोस्तों, मैं कहूंगा कि ये एक हार्डवेयर अपग्रेड है, और ये जो नए और अपग्रेडेड मोड्स भी आए हुए हैं इसके अंदर, लाइक 4K सिंगल लेंस, 360 एक्टिव HDR, मी मोड जो पहले भी था बट अभी भी है, इंप्रूव्ड है, 8K टाइम लैप्स जैसे मैंने बताया, 4K 120 FPS बुलेट टाइम, जी हाँ, दैट इज अ फन मोड टू हैव, एंड लूप रिकॉर्डिंग। और अगर एपरेचर के बारे में बात करूं, इट इज f1.9, और दोनों ही लेंसेज जो है दोस्तों 5.7K रेजोल्यूशन में 30 FPS शूट कर पाएंगे, एंड सिंगल लेंस जो है वो 4K 30 FPS पे शूट कर पाएगा। जो ड्यूअल लेंस वीडियो है दोस्तों, उसका रेजोल्यूशन ऑब्वियसली 5.7K एट 30 FPS है। ये तो हो गया वीडियोस के मामले में, लेकिन अगर मैं फोटोज के बारे में बात करूं तो 18 MP एंड 72 MP के फोटोज आप निकाल पाओगे इन रॉ एज वेल एज जेपेग फॉर्मेट। दोस्तों दो मेरे फेवरेट फीचर्स है इंस्टा 360 में, एक तो उनका जो मी मोड है, यस, मी मोड, जहां पे यू हैव टू कीप इट लाइक दिस एंड वॉक व्लॉग्स
स्टाइल आप वीडियो वगैरह निकाल पाओगे, स्टिक वगैरह कुछ दिखेगी नहीं, ऐसे लगेगा कि थर्ड पर्सन वीडियो आपका शूट कर रहा है। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, फुटेज भी दिखाऊंगा। और दूसरा जो है 4K 120 FPS पे आप बुलेट टाइम निकाल पाओगे। जी हाँ, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दीज आर टू ऑफ माई फेवरेट फीचर्स, जस्ट लुक एट दिस। तो ये दोस्तों है मी मोड, यू हैव टू जस्ट कैरी द स्टिक लाइक दिस। और देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। ऑलराइट, 4K 120 FPS पे बुलेट टाइम, लेट्स डू दिस। वैसे दोस्तों ये दो फीचर्स तो मेरे फेवरेट थे, लेकिन आपको भी अगर Insta 360 X3 खरीदना है या फिर उसके जो बहुत सारे एक्सेसरीज है वो खरीदने हैं, सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। वैसे आउटडोर्स का वीडियो, Insta X3 का वीडियो कैसे लगा, Insta 360 X3 का वीडियो कैसे लगा, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कुछ भी होगा कमेंट्स में, यू वॉन्ट टू टेस्ट आउट समथिंग ऑन दिस, लेट अस नो। और ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।